खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहा हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। बिखरा है वैराग्य सौरभ तप के जब बेले उगाई, बन गया जीवन तपोवन बाबा मिला है आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहा हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। हमारा आप सा।
खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा, खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा, खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा। ओम शांति। दुनिया में लोग एक दूसरे को जीवन जीने की कला सिखाते हैं, परंतु शिव बाबा कालों का काल महाकाल जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें जीते जी मरने की कला सिखाते हैं, और मरने के बाद फिर जीना कैसे है, मरना होता क्या है और यथार्थ जीवन क्या है, इन सभी रहस्यों को स्वयं ज्ञान सागर शिव बाबा आकर खोलते हैं। परंतु केवल ज्ञान नहीं देते, अपितु इस ज्ञान को जीवन में धारण करने की शक्ति भी देते हैं, और साकार ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें करके भी सिखाते हैं। तो ऐसा सुप्रीम शिक्षक शिव बाबा केवल संगम युग पर हम बच्चों के लिए आते हैं। तो आज की मुरली में भी हम समर जीवा जन्म की यथार्थ विधि को, जीवन जीने की और मर जाने की कला को समझेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 27 मई 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। भोजन की शुद्धता ब्राह्मण जीवन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि अन्न का असर पूर्ण रीति हमारे मन पर होता है, और अगर मन अशुद्ध हो गया तो मन मना भव नहीं हो पाता। प्रश्न है, सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों? दर पर काल आए, ये बातें हमारी अलग अलग जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं, पौराणिक कथाएं होती हैं, उसमें बताते हैं कि काल आया जिसे व्यक्ति आता है, परंतु सतयुग में काल नहीं आता। मृत्यु किसी के दर पर ऐसे दस्तक नहीं देती। समय पर आपे ही आत्मा स्व इच्छा से देह त्याग करती है। तो क्यों ऐसा होता है? उत्तर है, क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जो अभी जीते जी मरते हैं उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता है। तुम यहाँ आए हो किस लिए? मरना सीखने। सतयुग है, अमर लोक, वहाँ काल किसी को खाता नहीं। रावण राज्य है, मृत्युलोक, इसलिए यहाँ सभी की अकाल मृत्यु होती रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे प्रदर्शनी देख कर आते हैं तो बुद्धि में वही याद रहनी चाहिए, हम कैसे शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। यह संगम युगी मॉडल प्रदर्शनी में रखना है। कलयुग और सतयुग के बीच में अब यह है संगम युग।
तो संगम युगी मॉडल बीच में हो, उसमें 15-20 सफेद पोश वाले बिठाना चाहिए तपस्या में। ऐसा चित्र बना है हमारी प्रदर्शनी की जो किताब है उसमें, बहुत सुंदर। संगम योगी, एक तरफ कलयुग, एक तरफ सतयुग, बीच में संगम युग। वहाँ पर दिखाते हैं ब्राह्मण बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं और रुद्र ज्ञान यज्ञ शिव बाबा का चल रहा है। जैसे सूर्यवंशी दिखाते हैं तो चंद्रवंशी भी दिखाना पड़े। ऐसा बनाना है जो मनुष्य समझ जाएं कि यही तपस्या कर ऐसा बनते हैं, जैसे तुम्हारे शुरू के चित्र भी हैं, साधारण तपस्या के और भविष्य राजाई पद के, वैसे यह भी बनाना पड़े तो तुम समझा सकेंगे यह वह बनते हैं। दिखलाना भी एक्यूरेट है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीखकर यह बनते हैं। दिखाना है कैसे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अभी राजयोग सीखते हैं और उसके बाद फिर सतयुगी देवता बनते हैं। तो संगम युग भी जरूर दिखाना पड़े। तुम बच्चे देख कर आते हो तो सारा दिन वह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए, तभी ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर कहला सकते हो, है ना। मास्टर ज्ञान सागर कब बनेंगे? जब जो ज्ञान ज्ञान सागर में है वो संपूर्ण ज्ञान मैं आत्मा धारण करूंगी। और प्रदर्शनी में वही ज्ञान दिया है जो शिव बाबा ने डायरेक्ट ब्रह्मा रथ में अवतरित होकर आत्माओं को सुनाया है। तो जब हम प्रदर्शनी देखते हैं वो ज्ञान बुद्धि में चलता रहता है और हम फिर मास्टर ज्ञान सागर बनते जाते हैं। अगर ज्ञान ही बुद्धि में ना रहे तो ज्ञान सागर थोड़ी कहेंगे। सारा दिन बुद्धि इसमें ही लगी रहे तो फिर बंधन भी टूटते जाए। बंधन तोड़ने का सहज उपाय है, सारा दिन बुद्धि ईश्वरीय ज्ञान के मनन मंथन में लगी रहे। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे, बैकुंठ देख भी नहीं सकेंगे। मुख्य तो है ही बैकुंठ, है ना। भगवान ने इतना बड़ा मौका दिया है तो 100% बैकुंठ में आना चाहिए ना। वंडर ऑफ वर्ल्ड सतयुग को कहा जाता है, इसलिए पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे दोनों चित्र होने चाहिए, वह रंगीन ड्रेस व गहनों आदि से सजाया हुआ और वह तपस्या का, दोनों पिक्चर्स होने चाहिए। तो वह समझेंगे यही सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। ड्रेस तो बदल सकते हैं, फीचर्स तो बदल नहीं सकेंगे। वह हुआ अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, वह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिसे समझें कि यह स्थापना कर रहे हैं, यही फिर वह बनते हैं। सेम फीचर्स होंगे तो समझना सहज हो जाएगा। जो मेहनत करेगा वही पाएगा। ब्राह्मण बनने वाले तो बहुत है ना, इस समय तुम थोड़े हो, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? बुद्धि में है, हम तपस्या कर रहे हैं, फिर यह बनेंगे। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठना, क्योंकि बुद्धि में तो सारी नॉलेज है ना, बुद्धि में चक्र फिर रहा है, सारा ज्ञान है। हम ही थे फिर हम ही बनेंगे, हम क्या थे अब फिर क्या बनते हैं। स्टूडेंट टीचर को तो
जरूर याद करेंगे। तुमको भी बाप को याद करना है। ज्ञान याद रहेगा तो ज्ञान दाता भी याद रहेगा। याद की यात्रा से ही पाप कटते हैं, आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। इसका जितना बड़ा मॉडल हो, शूद्र से ब्राह्मण सो देवता, तो जितना बड़ा इसका मॉडल हो अच्छा है, क्योंकि लिखना भी पड़ता है संगम योगी पुरुषोत्तम बनने वाले ब्राह्मण। अभी तुमको बाप बैठ पढ़ाते हैं ये मॉडल। लगभग हमारी जितनी भी प्रदर्शनियाँ बनती हैं, प्रदर्शनी में तो है ही परंतु आर्ट गैलरीज भी जो बनी है तो उनमें भी ये मॉडल है। तो बहुत सुंदर बाबा बताते हैं। ऊपर में शिव बाबा का भी चित्र है जो तुमको पढ़ाते हैं। तुम यह बनते हो, यह ब्रह्मा भी तुम्हारे साथ है। वह भी सफ़ेद पोशधारी स्टूडेंट है। मनुष्य तो राम राज्य को भी नहीं मानते हैं। बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो ना राम को मानते हैं ना राम राज्य को मानते हैं। गायन भी है, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। सतयुग में तो धर्म का राज्य है ही। बाकी त्रेता में क्षत्रियों की ग्लानी करती है ना, क्षत्रियों की ग्लानी कर दी है, सूर्यवंशी की ग्लानी नहीं की है। लक्ष्मी नारायण को ऐसे स्थूल हथियार नहीं दिखाए हैं ना, लड़ाई झगड़ा करते नहीं दिखाया, परंतु श्री राम जी को तो धनुष बाण पकड़ा दिए हैं। तो यह भी लिखना पड़े, राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है। वह भी सैमी स्वर्ग है, त्रेता युग सैमी स्वर्ग है, क्योंकि 14 कला है ना, सैमी हो गया ना। वहाँ ऐसी ग्लानी की बातें होती नहीं, उनको क्लियर कर दो हम क्या बन रहे हैं। हम ही अपने लिए स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, विश्व में शांति का एक स्वराज्य जो सब मांगते हैं वह हम स्थापन कर रहे हैं। बाबा प्रदर्शनी आदि देखते हैं तो ख्यालात चलते रहते हैं। तुम बच्चे घर जाएंगे तो फिर यह सब बातें भूल जाएंगे, परंतु यह सब बुद्धि में याद रहना चाहिए। ऐसे नहीं प्रदर्शनी से बाहर निकले और खेल खलास, वहाँ की वहाँ रह जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो पुरुषार्थी हैं उनकी बुद्धि में टपकना चाहिए। जब कोई चीज़ फुल हो जाती है ना तो टपकती है, ऑटोमेटिक टपकती है। तो ऐसे जब ज्ञान भरपूर होता है तो ऑटोमेटिकली मुख से निकलता है। तो वह कहते हैं उनकी बुद्धि में ज्ञान टपकना चाहिए। बाबा को टपकता रहता है ना, बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा तो बाबा की याद भी रहेगी, उन्नति को पाते रहेंगे। अगर सतु प्रधान नहीं बनेंगे तो फिर सतयुग में नहीं जाएंगे। इसलिए अपने को याद की यात्रा में पक्का रखना है। याद की यात्रा जितनी होगी उस अनुसार सतु प्रधान बनेंगे, और सतु प्रधान बनेंगी जो आत्माएं वही सतयुग में जाएंगी। तुम राजयोगी हो, तुमको बड़ी जटाएं हैं। दिखाते हैं ना दादियों की वो चित्र, बिल्कुल लंबे लंबे बाल खुले हुए। महिमा सारी तुम माताओं की है, जटाएं भी नेचुरल है। राजयोगी और योगिन, यह सच्चा सच्चा तपस्या का रूप दिखाते हैं। यह सब समझने की बातें हैं।
तपस्वी दिखाते हैं ना दुनिया के अंदर भी, उनकी भी लंबी लंबी जटाएं हैं। तो बाबा कहते हैं ये पक्का पूरा तपस्या का रूप दिखाते हैं कि लंबी जटाएं हैं और एक शिव बाबा को याद कर रहे हैं। राजयोगी और योगिन यह सच्चा सच्चा तपस्या का रूप दिखाते हैं, यह सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। क्या करना है? देह के सब धर्म छोड़कर स्वयं को आत्मा निश्चय करना है, बाकी सब देह के संबंध आदि भूल जाओ। एक बाप को याद करो, वह तुमको बहुत मालदार बनाते हैं। कौन सा माल? सूक्ष्म भी और स्थूल भी। जीते जी मर जाओ, कंडीशन क्या है? जीते जी मर जाओ। जब मर जाएंगे तो फिर आत्मा जब दूसरा जन्म लेगी तो बहुत मालदार होगी। अभी बैगर बनेंगे तो उसी अनुसार प्रिंस बनेंगे, अभी जीते जी मरेंगे तो वहाँ अमर बन जाएंगे। तो अब कहते हैं जीते जी मर जाओ, बाप आकर जीते जी मरना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, तुमको ऐसा मरना सिखलाता हूँ, ऐसा मरना सिखलाते हैं जो कभी तुम्हारे दर पर काल न आ सके। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, सतयुग में रावण राज्य नहीं है, सतयुग में कभी काल खाता नहीं, उनको अमरपुरी कहा जाता है। बाबा तुमको अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। यह है मृत्युलोक, वह है अमरपुरी, यह है राजयोग। तुम लिख दो प्राचीन भारत का राजयोग फिर से सिखाया जाता है, क्योंकि लोग योग में बहुत इंटरेस्टेड हैं और ख़ास तौर पर भारत का प्राचीन योग। तो अगर ये लिख देंगे कि भारत का प्राचीन योग तो फिर बहुत लोग आते हैं, जो प्रदर्शनी आदि देखते हैं उन्हों को ख्याल करना चाहिए। इसमें और क्या करें जिससे मनुष्य एक्यूरेट समझें, इनमें प्रैक्टिकल बहुत अच्छी समझानी है प्रदर्शनी के चित्रों में। यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो इसमें आ ही जाते हैं। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, मूल जोर रखना चाहिए इस पर, बुद्धि सबकी ऊपर शिव बाबा में लग जाए। विश्व में पवित्रता, सुख, शांति कैसे स्थापन हो रही है आकर समझो। तुम अपने लिए ही करते हो, जितनी मेहनत करते हो उतना पद मिलता है, वह भी नंबरवार। यह भी दिखाओ नंबरवार कैसे कैसे बनते हैं, प्रजा भी दिखाओ, तो साहूकार प्रजा, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड प्रजा भी दिखाओ। ऐसा एक्यूरेट बनाओ जो अच्छी रीति समझा सको। मेहनत तो करनी है, प्रदर्शनी के चित्रों में क्या चेंजेस लाने हैं बाबा बता रहे हैं। समय बाकी थोड़ा है, ज्ञान है ही तुम्हारे लिए। तुम प्रदर्शनी में ऐसा समझाओ, कैसा समझाओ जो मनुष्य समझें। हमको एक बाप को ही याद करना है, तब ही हम यह बन सकेंगे, नहीं तो फिर
भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। तुम महारथी बच्चे हो तो तुम्हारी बुद्धि चलती है, मेल्स भी अच्छे अच्छे हैं। नंबर वन तो है जगदीश बाबा, आज खास जगदीश भाई साहब को याद कर रहे हैं जो मैगजीन बनाते हैं। ब्रिजमोहन को भी लिखने का अच्छा शौक है, तो ब्रिजमोहन भाई साहब को भी आज बाबा ने याद किया। शायद तीसरा भी कोई निकल आए। हर एक बात तुम क्लियर करते जाएंगे दिन प्रतिदिन। बाप ज्ञान का सागर है, उस परम आत्मा में ज्ञान तो भरा हुआ है ना, जैसे गीत सुनते हो, सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है ना। उस समय तो बड़े बड़े स्पूल्स होते थे, तो अभी तो छोटे छोटे चिप्स हैं, तो सारा रिकॉर्ड उस स्पूल के अंदर भरा हुआ होता था। तो वह कहते ऐसे आत्मा भी है, उसमें भी ज्ञान भरा हुआ है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ड्रामा की सीन बदलती जाती है, आत्मा का वो जो रील है वो खुलती जाती है, तो पार्ट बजाती रहती है आत्मा। यह भी ऐसे है, बाप के पास जो माल है वह मिलता रहेगा ड्रामा अनुसार। यह बच्चों की बुद्धि में चलना चाहिए। भल कुछ काम काज करो, हाथ से भोजन बनाओ, बुद्धि शिव बाबा के पास हो। कहते हैं ना, हथकार डे दलियार डे। ब्रह्मा भोजन भी पवित्र चाहिए, ब्रह्मा भोजन सो ब्राह्मणों का भोजन। ब्राह्मण जितना योग में रह बनाते हैं उतनी उस भोजन में ताकत आती है। गायन है कि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा करते हैं। कहते हैं ना, देवताएं भी ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं, जिससे हृदय शुद्ध होता है। तो ब्राह्मण भी ऐसे होने चाहिए, है ना। अभी नहीं है, अभी अगर ऐसे बन जाएं तो तुम्हारी बहुत वृद्धि हो जाए, परंतु ड्रामा अनुसार धीरे धीरे वृद्धि को पाना है। ऐसा भी ब्राह्मण निकलेगा जो कहेगा, हम बाबा की याद में रह भोजन बनाते हैं, बाबा चैलेंज देते हैं ना। ऐसा ब्राह्मण हो जो योग में रह भोजन बनाए। भोजन पवित्र होना चाहिए, भोजन पर बहुत मदार है। बाहर में बच्चों को नहीं मिलता है इसलिए यहाँ आते हैं। बच्चे तो भोजन से भी रिफ्रेश होते हैं, योग वाले फिर ज्ञानी भी होते हैं, इसलिए उन्हों को सर्विस पर भी भेज देते हैं, है ना। किनको सेवा पर भेजते हैं, जो ज्ञानी और योगी बच्चे हैं। बहुत हो जाएंगे तो फिर यहाँ भी ऐसे ब्राह्मणों को रख देंगे, नहीं तो महारथियों में से भोजन पर भी होने चाहिए, जो योग युक्त खाना बने। देवताएं भी समझते हैं, हम भी ब्रह्मा भोजन खाकर देवता बने हैं, तो रुचि से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते हैं, है ना। संदेश पुत्रियां जाती हैं वतन में, बाबा के टाइम में तो बहुत जाती थी, तो फिर ऊपर देवी देवताओं के साथ रास करके आती थी। तो बाबा कहते हैं कि, और सर जब भोग लगाते हैं तो भी ना ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। तो बाबा कहते हैं, कैसे तुमसे मिलते हैं, यह भी ड्रामा में युक्ति है। सूक्ष्म वतन में वह और यह मिलते हैं, सूक्ष्म वतन में मिलन होता है देवताओं का और ब्राह्मणों का। यह भी वंडरफुल साक्षात्कार है, वंडरफुल नॉलेज है ना। तो साक्षात्कार भी वंडरफुल है, अर्थ सहित भक्ति मार्ग में साक्षात्कार तो है ना बहुत मेहनत से होता है।
ना बाबा के बनते हैं, खास तौर पर जब यज्ञ की स्थापना हुई तो सबको, माताओं को, कन्याओं को बैठे बैठे साक्षात्कार हो जाते थे ना। जिस साक्षात्कार के लिए भक्त लोग नौधा भक्ति करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, तब जाकर होता है वो सहज रीति माताओं बहनों को होने लगा। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार तो बहुत मेहनत से होते हैं, नौधा भक्ति करते हैं सिर्फ दीदार के लिए। समझते हैं दीदार होगा तो हम मुक्त हो जाएंगे, उनको ये लगता है। उनको यह थोड़ी पता है कि यह इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं। देवताएं कैसे बने हैं? इस पढ़ाई से। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी इस पढ़ाई से बने हैं। बाकी जो इतने अनेक चित्र बनाए हैं, ऐसे तो कुछ भी है नहीं। बाकी जो भक्ति मार्ग में अनेक चित्र बनाए हैं, ऐसे नहीं हैं। यह सब भक्ति मार्ग का विस्तार है। बड़ी भारी कारोबार है। अब ज्ञान और भक्ति का राज तुम समझ सकते हो, हम ही समझ सकते हैं, क्योंकि हमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है और हमें ही बाबा ने आकर ज्ञान दिया है। दोनों का राज हम सबसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। यह बाप ही बैठ समझाते हैं, वह है स्पिरिचुअल फादर। शिव बाबा स्पिरिचुअल फादर, रूहानी फादर है, रूह का फादर। वही ज्ञान का सागर है। कल्प कल्प पुरानी दुनिया को नई बनाना, राजयोग सिखाना। पुरानी को नया बनाना, राजयोग सिखाना बाप का ही काम है। परंतु सिर्फ गीता में नाम बदली कर दिया है। बाप समझाते हैं यह भी कल्प कल्प का खेल है। हम घर से यहाँ आते हैं पाठ बजाने, शिव बाबा परम धाम से आते हैं पाठ बजाने। झाड़ की तरफ भी बुद्धि चलनी चाहिए, जो झाड़ का चित्र है ना प्रदर्शनी में। कैसे किसको समझाए जाए, है ना, कैसे किसको झाड़ का राज समझाए, बुद्धि चलनी चाहिए। हमको कहते हैं क्या हम स्वर्ग में नहीं आएंगे, दिखाते हैं ना अलग अलग धर्म वाले अलग अलग समय पर आए, तो पूछते हैं कि क्या हम स्वर्ग में नहीं आएंगे। बोलो तुम्हारा धर्म स्थापक तो स्वर्ग में आता ही नहीं, वह जब स्वर्ग में आए तब तुम भी आओ। हर एक धर्म का अपने अपने समय पर पाठ है। यह वैरायटी धर्मों का नाटक बना हुआ है, बना बनाया खेल है। इसमें कुछ भी कहने की दरकार ही नहीं रहती। इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये रेडीमेड ड्रामा बना हुआ है। मुख्य धर्म दिखाए गए हैं, यह तो बच्चे जानते हैं। यह चित्र आदि भी कोई नए नहीं है, कल्प कल्प ऐसे हूबहू चलते आएंगे। विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ते हैं, मारपीट आदि के भी विघ्न पड़ते हैं ना। बच्चों को कितना युक्ति से समझाया जाता है। बोलो भगवान वाच है ना, क्या काम महाशत्रु है। अभी तो यह कलयुगी दुनिया विनाश होनी है, देवता धर्म स्थापन हो रहा है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे तुम पवित्र बनो, काम को जीतो। इस पर ही झगड़ा होता है। तुम बड़े बड़ों को, जो बड़े बड़े होते हैं ना, तो मैंने कहा तुम बड़ों बड़ों को समझाते हो, गवर्नर का नाम सुन सब चले आएंगे, इसलिए युक्ति रची जाती है। भले गवर्नर ना चले, परंतु उनको बुलाएंगे तो उनके पीछे बहुत आ जाएंगे। तो मैंने कहा इसलिए युक्ति रची जाती है लोगों को बुलाने के लिए। हो सकता है उनमें से कोई अच्छी रीति समझ जाए,
बड़ों का नाम सुन ढेर आ जाएंगे। कार्ड छपाते हैं, उसमें किसी बड़े का नाम लिखते हैं तो उसके कारण कई आ जाते हैं। हो सकता है कोई बड़ा भी आ जाए, है तो बहुत मुश्किल। अभी इतना मुश्किल नहीं रहा है, अभी तो वो चाहते हैं कि हम आए इनके प्रोग्राम में। बाबा कितना लिखते हैं, बच्चे जिससे उद्घाटन कराओ उनको पहले समझाओ ज़रूर कि ऐसे मनुष्य से देवता बन सकते हो, विश्व में शांति हो सकती है, स्वर्ग में ही विश्व में शांति और सुख था। ऐसे ऐसे भाषण करो और अखबार में पढ़े तो फिर तुम्हारे पास इतने ढेर आने लग जाएंगे जो तुमको नींद भी करने नहीं देंगे। नींद फिटानी पड़े, सर्विस से योग से बल भी आता है, क्योंकि तुम्हारी कमाई होती है। कमाई करने वाले को जो कमाई जिसकी होती है ना दुनिया में भी, कमाई करने वाले को कभी उबासी नहीं आती है, झटका नहीं आएगा। कमाई से पेट भर गया फिर नींद नहीं आती, जैसे रेगुलर हो जाते हैं। बिल्कुल, वो भी ऐसा होता है कि किसी भी दिन मुरली मिस नहीं करेंगे। तुम भी बहुत भारी कमाई करते हो, उबासी दिवाला निकालने वाले खाते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं, याद में रहते हैं, उनको उबासी नहीं आएगी। अगर मित्र संबंधी आदि याद आते हैं तो उबासी आती रहेगी। यह निशानियां हैं। स्वर्ग में तुमको उबासी आदि कभी आएगी ही नहीं। बाप का वर्षा पा लिया तो वहां सोना उठना बैठना कायदे सिर चलता है। तो बाबा ने कहा एक्यूरेट आत्मा लिवर बन जाती है। लीवर घड़ी होती थी ना पुराने जमाने में, तो टिक टिक करके चलती है, एक्यूरेट टाइम देती है। तो बाबा ने कहा तो आत्मा लीवर बन जाती है, यानी परफेक्ट बनने लगती है। अभी सिलेंडर बनी है, अभी एक्यूरेट टाइम नहीं देती सिलेंडर घड़ी, और लीवर घड़ी एक्यूरेट टाइम देती है। तो अभी सिलेंडर बनी है ना, उनको लीवर बनाना है ना। तो बाबा ने कहा ऐसा कोई बना कोई बना सकते हैं, कोई नहीं बना सकते हैं। अच्छा रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। दूसरा, नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झुटका नहीं खाना है। आज का वरदान है विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भवा। विश्व सेवाधारी कौन बनेंगे? जो विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोएंगे। आप विश्व सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, चाहे कोई भगवान को मानता है या नहीं मानता, सबको अलौकिक व ईश्वरीय स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। यह बीज
सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल समय पर निकलता है, इसलिए अधैर्य नहीं होना है। सहज पके सो मीठा स्लोगन है। भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, यह सबसे बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, इससे बड़ा भाग्य और कोई नहीं है। तो आज विशेष हम सभी बाबा की श्रीमत प्रमाण जीते जी मरने का अभ्यास करेंगे ना। बैठे हैं देह में, कर्मेंद्रियों से अभी अभी कर्म करा रहे हैं, फिर बिल्कुल ऐसे जैसे कर्मों को छोड़, कर्म बंधनों को छोड़, सबको छोड़ मैं आत्मा देह को बिल्कुल अलग करके, डिटैच होकर, छोड़कर ऊपर जा रही हूँ। फिर ऊपर से नीचे आई दूसरी देह, सतयुगी देह धारण कर रही हूँ। तो बार बार अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी और अभी अभी सतयुग के अंदर, तो ये तीनों, यहाँ से ऊपर जाना और ऊपर से सतयुग में आना ना, ये ड्रिल चलती रही हमारी। तो इसे कहेंगे हम जीते जी मरने का अभ्यास कर रहे हैं। सर्प के मिसल एक खाल को छोड़कर दूसरी धारण करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो इसका जब जब समय मिले प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ओम शांति। Thank you.
शांति।